मैं देवेंद्र अग्रवाल। देखो मेरे पास एक ओप्पो का हैंडसेट है, इसके अंदर एक इस फोन के अंदर एक एरर आ रहा है और काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कहने का मतलब है जो भी हुआ है थोड़ा बहुत ही हुआ है, जितने भी किया है बैटरी बदला होगा चेक, पर बैटरी भी बदली नहीं है, वो नॉर्मली है। देखा जाए तो काम ना के बराबर है, जीरो ही है। तो जैसे हमने चार्जर लगाया हमने साइन देखा और उस साइन के साथ देख रहे हैं चार्जिंग एरर नहीं है, ये बैटरी एरर है। ध्यान देना, चार्जिंग एरर और बैटरी एरर और टेम्परेचर में तीन एरर होते हैं। अगर इसके ऊपर बैटरी कोडिंग लिखी है, बैटरी कोडिंग लिखी है, ये सिर्फ और सिर्फ आईडी का एरर है। अगर इसके ऊपर टेम्परेचर की टेम्प कोडिंग लिखी है, हेलो या टेम्परेचर लिखा है कैसे भी करके लो हाई या कुछ भी, तो ये आपका बैट ऑन का एरर है। किसका? बैट ऑन का। और अगर ना बैटरी लिखी, ना बैटरी लिखी, ना टेम्परेचर लिखा, तब ये चार्जिंग एरर है, तब ये चार्जिंग एरर। बढ़िया एरर, देखो फिर से दिखा रहा हूं, नोटिस करो। ये हमें सिंबल आ रहा है और यहां पर हमें यहीं पर दिखाना पड़ेगा। देखो देखो बैटरी, द बैटरी कॉन्टैक्ट, हेलो यस सर, द बैटरी कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ये किसका एरर है? बैटरी का। क्योंकि अगर द बैटरी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब हम चार्जिंग की सप्लाई में जाते हैं। हेलो यस सर, सारी सेंस लाइनें चेक करते हैं। यहां हमें चेक करना है बैट आईडी, बैट आईडी, ठीक है। तो हम सबसे पहले लाओ इस फोन को बोलो, हम सबसे पहले लो इसके स्क्रू बोलो, तो हम सबसे पहले इस फोन को ओपन करेंगे और हम इसके पहले स्क्रू को अनबाइंड करेंगे, बोलो जरा, और फिर हम इसकी पीसीबी का सबसे पहले कनेक्टर का जीआर उठाएंगे। हेलो यस सर, ठीक है। ये है ओप्पो का A3S। तो हमारे पास A3S में सलूशन जो मिलता है, हम सारे सलूशन पे जाएंगे क्या हमें मिलता है और क्या हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक पेन तो जरा यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, पेन देखो आ जाओ उधर, मैं आपको थोड़ा इसका पहले बताना चाहूंगा कि अपन को क्या देखना है क्या नहीं देखना है। ये करेंगे ओप्पो के जितने भी जो सेट होते हैं उसके अंदर हमें दो ही टाइप के कनेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, एक ये और एक ये। ये अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये अब तक यूट्यूब की हिस्ट्री का पहला वीडियो होगा, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये आज तक किसी ने नहीं दी है। जो यूट्यूब में अगर हम बैटरी कनेक्टर की बात करें या जीआर की बात करें या कोई सप्लाई की बात करें, हमें ओप्पो के अंदर इस तरह के बैटरी कनेक्टर देखने को मिलेंगे जो कि अभी हम खोल रहे हैं। और अनिल सर वहां पर बैटरी कनेक्टर दिखाओ, देखो सब लोग देखो वहां पर बैटरी कनेक्टर, तो नॉर्मली कनेक्टर है। हेलो यस सर, टोटल कितनी पिन? कितनी? चार तो नहीं है ना? हाँ, चार ये पिने होती नहीं है। कैसे गिनते हैं इनको? दो जगह दो तरीके से, एंटी लॉक, एंटी लॉक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ऐसा होता है कि कई दफा ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट, एक क्या होता है एंटी। सबसे पहले ओप्पो A3S, ये क्वालकॉम का सर्किट है। किसका सर्किट है? क्वालकॉम। तो आपको पता ही है क्वालकॉम के अंदर तीन ही आईसी मेजर रोल कर रही है। हेलो, हम उस आईसी का फिलहाल इस वीडियो में नाम ले लेंगे। किस किस को पता है वो तीन आईसी? क्वालकॉम के अंदर मीडियाटेक होती तो मीडियाटेक में पता होता। अपन सर्किट सिखाएंगे पर अपन इतना डिटेलिंग में नहीं सिखाएंगे, ठीक है, पर अपन इतना जरूर सिखाएंगे कि वीडियो देख के उनको फायदा जरूर मिले। अब एक दूसरा क्या होता है? थर्म। यहाँ एनटीसी बोलते नहीं है, बैट ऑन बोलते नहीं है, वो बोलते किसी और सर्किट में, यहाँ बोलते हैं बैट थर्म, बोलो बैट थर्म। बट
ओप्पो ने कुछ एक गुण दो मॉडल के अंदर अपना सर्किट ऐसा बनाया है, जो मैं आपको इसलिए यहाँ पर ये मैं पहले पढ़ा था पर मैं अभी पढ़ा हूँ। उन्होंने बताया है, उन्होंने 6 पिन का सीक्वेंस दिया, कितने पिन का? 6 पिन का। और हमें पता है 6 पिन के अंदर फिर एक डीएस प्लस डीएस माइनस आईओ या एनसी। पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है, नोटिस करो उनके चारों पिन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले अब ना बीएसएस है, ना बीएस प्लस है, ना आयु है, तो भी चारों पे जीआर क्यों, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच। यस सर। उनको लाइव है, हम सब लाइव है, सब लाइव है। यस सर। तो भाई 10:30 बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी, सीपीयू रिबाउंड, सीपीयू माउंट रिबाउंड, माउंट रिबाउंड किस किस ने करा है, हम सब ने, सबने किया है। यस सर। दो को बोलो, दो को, एक को क्या बोला है आईडी और बाकी दो को उन्होंने आई2सी के साथ जोड़ा है, एसडीए बोलो और एससीए, जिसका हमारे को काम नहीं है, इससे फॉल्ट हमारा आता नहीं है। हमारा फॉल्ट किससे आया है, आईडी, क्योंकि हमारे को बैटरी कॉन्टैक्ट का एरर आया है, किसका एरर आया है, बैटरी कॉन्टैक्ट का। देखो दिखाऊंगा एक फोटो के साथ, नोटिस करो, अगर मैं एक फोटो के साथ आपको यहां पर दिखाऊं, ये है देखो, ये वाला एरर है ना, बिल्कुल हेलो। इस एरर में 98% एक बार एक आईफोन आया था ओप्पो A15 वो भी मीडियाटेक का सेट था, बहुत एरर आता है, तो उसमें ऑलरेडी दो जंपर लगे हुए थे आईडी और थर्म से, जबकि वो आईडी थर्म का एरर ही नहीं था, वो VCDT का एरर था, चार्जिंग डिटेक्शन और LDO चार्जिंग का एरर, मतलब वो चार्जिंग की सप्लाई का एरर था, पर वो सिर्फ वीडियो देखकर वो जैसा वीडियो में देखता है वैसा ही जंपर मार देते हैं, वो समझते नहीं है, ध्यान देना। उसके अंदर बेसिकली खाली एक लोगो बनकर आता था, समझ में आ रहा है मेरी बात, एक लोगो बनकर आता था, ये एरर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसका एरर है, अगर यहाँ पर क्या लिखा होता टेम्परेचर, तो ये एरर बैटोन का है, हेलो। और अगर यहाँ ये दोनों नहीं होते तो ये एरर कौन सा एरर है, जल्दी बताओ, जैसे बताओ ये दूसरा, अब मुझे बताओ इसको पढ़ो अच्छे से, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है अंदर, मतलब टेम्परेचर का एरर है, हेलो। यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर किसका एरर है, बैटरी का एरर है। yes, तो हमें सिंबल रूप से हमें पता होना चाहिए कि ये बैटरी का है या चार्जिंग का है, और ये मॉइस्चराइजर का एरर है, हेलो। yes, इसमें एक रेजिस्टर होता है, वाटर रेजिस्टेंस रेजिस्टर बोलते हैं, जो सब बोर्ड में लगा होता है, किसमें, वो सिर्फ खराब हो जाने की वजह से उसको सिर्फ रिमूव करना है, खाली क्या करना है, और वो रजिस्टर पहचानना है वो कहाँ पर है, समझ रहे, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, चार्जिंग में ले लूंगा मैं इसको। और ये है, ये एरर इसको कहते हैं, ये आता है इसके अंदर एमएफसी का फॉल्ट भी आ सकता है, ये चार्जिंग लोगों में भी है, ये एरर के अंदर हम बोल सकते हैं ये चार्जिंग का एरर भी हो सकता है, ये एरर हम बोल सकते हैं ये एमएफसी का भी फॉल्ट हो सकता है, तो कोई सा भी फॉल्ट हो सकता है कहने का मतलब है, क्योंकि इसके अंदर ना बैटरी लिखी है ना वो लिखी है। अपन पढ़ रहे हैं सर्किट, तो सबसे पहले आओ बस का जीआर चेक करें, आओ देखो, ओप्पो के अंदर का जीआर अगर हम चेक कर रहे हैं, हमने आज जीआर बहुत अच्छे बहुत ईमानदारी से पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेलिंग में पढ़ा है, और आज हमने ये 500 रुपए वाली मल्टीमीटर की वैल्यू भी समझ ली है कि जिस इंस्टीट्यूट में ये मल्टीमीटर होगा क्या उधर वो नॉलेज होगा क्या, वो अभी भी 2015 के लूप होल में फंसे हैं। तो देखो अगर हम इसका जीआर उठाएंगे, आप देखो तो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, यहाँ भी ये निकाला दिए हैं इन्होंने, और सबसे पहले बैटरी कनेक्टर का जीआर, पहले हम इसका सुटकेस चेक करें, क्या चेक करें, सुटकेस, पर हम सुटकेस हम वीडियो में बताना नहीं चाहते, समझ में आ रहा है मेरे पास, तो मैं आपको पहले बोल देता हूँ, इसके टोटल 6 सुटकेस आ रहे हैं, कितने, 6 का मतलब 2 और बीच में कनेक्टेड नहीं है, बस दिमाग में रख लेना। अब अपन इसको
चेक करते हैं जीआर। ऐसे फोनों के अंदर हमें जीआर मिलने चाहिए खाली तीन, कितने मिलने चाहिए? तीन, क्योंकि एक बीबैक, आईडी, टेम्परेचर और जी राउंड का कोई जीआर होता नहीं है, वो जीरो होता है। सो देखो ये हमें किसका जीआर मिल रहा है? रिवर्स करेंगे, ठीक है? यस सर। ये हमें किसका मिलेगा? ग्राउंड। अब ध्यान दो, इन चारों में दो I2C की लाइन है। किसकी लाइन है? I2C। देखो जो कैसे पता चलेगा, जिनका जीआर, बोलो जिनका जीआर सेम होगा, सेम होगा और 600 के अंदर होगा, 600 के अंदर होगा, I2C होगा। हेलो, I2C का जीआर कभी भी 600 से ऊपर होता नहीं है। ये देखो ये 556 और ये भी 560। अब ये दो है हमारा आईडी और थर्म, क्या है बताओ? आईडी और थर्म। एक का 623 आ रहा है और एक का आ रहा है 2500, मतलब ये हमारा सर्किट 2 बना रहा है। यस सर। तो जब एक सर्किट 2 बना रहा है तो कहने का मतलब तो दूसरा भी बनाना चाहिए। हेलो, यस सर। अब हम इसका डायग्राम खोलते हैं कि देखते हैं इसका हम क्या हम सीख सकते हैं। ओप्पो का A3S ये है, और सबसे पहले अच्छा क्या क्या खोलना है, ये सब क्लियर है आपका? yes, sir. बोलो पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, स्कीमेटिक, सर्च डाटा, समझ में मेरी बात? इससे पहले आईसी ऑन बोर्ड। देखो पहले हम हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलेंगे, चार्जिंग डाटा, ये है। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें दोनों लाइनें दिख रही हैं, बैक आईडी और बैक थर्म। दैट मीन कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आईडी दे दी और थर्म नहीं। अच्छा आईडी होती और थर्म नहीं होता तो थर्म कहाँ होता, ये क्लियर है हम लोग? और अगर थर्म होता और आईडी नहीं होती तो कितने के का कहाँ किधर रजिस्टर लगा होता, ये भी क्लियर है ना? आज की डिटेलिंग इसलिए की गई है। तो देखो आईडी है आपके पर्पल कलर की और ये ऑरेंज कलर का है, और यहाँ पर हम जाएंगे तो ये दो नीचे है, ये आईडी हो गया और ये थर्म। अब इसका फिर से जीआर लेंगे क्योंकि प्रॉब्लम हमें आईडी का ही है, बैटरी एरर है, टेम्परेचर में ये टेम्परेचर का एरर देता है। यहाँ पे 600 पर जीआर तो आ रहा है। हेलो, जीआर आ रहा है, तो जीआर आने को पर पूरा सर्किट नहीं मान रहे क्योंकि अभी हमने नोटिस किया तो हमने ये भी देखा कि सर जीआर तो आ रहा है पर सर्किट पूरा सब फिर भी सही नहीं है। अब इस पे एक बार वोल्टेज चेक किया जाए, क्या चेक किया जाए? वोल्टेज। अब देखो वोल्टेज के लिए मैं आपको पहले एक थोड़ा प्रैक्टिकल दूसरे फोन में बताना चाहूंगा। जैसे ये फोन है, इस फोन के अंदर अगर हम चार्जर लगाएंगे तो हमारे को दो वोल्टेज बन सकता है, जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो 2.8 होगा। हेलो, यस सर। वो होगा थर्म, क्या होगा? थर्म। और जो मिनिमम होगा, बोलो मिनिमम होगा, वो होगा 1.8। वो होगा आईडी, आईडी। तो वो 1.8 जरूरी नहीं है 1.8 आए, हो सकता है 1.1 आ रही हो, हो सकता है 0.7 आ रही हो। यस सर। तो 1.8 से हमेशा क्या आएगी? नीचे, नीचे। देखो तो हम वोल्टेज पर जाएंगे और हमने चार्जर लगाया है, हम अपना वी बस चेक करेंगे, वी बस आ रहा है, हम अपना ये हमारा बैट थर्म हो गया, ये बैट आईडी हो गई, पर हम बाद में जाएंगे इस पर, पहले हम यहाँ जाएंगे अंदर। तो देखो एक पर हमारे को कितना वोल्टेज आ रहा है? एक, और दूसरे पे कितना आ रहा है? 2.6। तो कौन सा हमारा बैट थर्म हो गया? चलिए सर ये 2.6, ये है ना? यस सर। और ये हो गया आईडी, आईडी। हेलो, यस सर। तो देखो यहाँ पे 2.6 आएगा, यस सर। और यहाँ पर क्या आएगा? 1। अब ध्यान देना, बट क्या होता है जब हम इस पर बैटरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताओ? बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, बैटरी वाला फोन देना जरा। तो अगर इसके अंदर डिवाइडर सर्किट बना, बोलो मतलब एक R2 जो सब बोर्ड के सब बोर्ड बोला सॉरी BMC BMS बैटरी मैनेजमेंट सर्किट BMS के अंदर है, BMC के अंदर है, तो ये क्या होगा नोटिस करना, ये अपना डिवाइडर का फॉर्मूला जब लगा देगा तो ये जितने भी वोल्टेज है ये इनको आधा कर देगा, क्या कर देगा? आधा। देखो अभी देखो ये वोल्टेज वोल्टेज की कहानी है सारी, आपको अभी जितना भी पढ़ा है सब जीआर और ट्रेसिंग का ये मामला पढ़ा है। देखिए अभी यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है साहब?
यहाँ पे कितना आ रहा है 1.1। अब जैसी बैटरी लगाएंगे और अगर बैटरी का BMS ओके है और अगर ये सर्किट पूरा बन रहा है तो हमारा R1 R2 से जुड़ जाएगा। अब हमारा R1 R2 से जुड़ जाएगा और जितना भी वोल्टेज है ये लगभग आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना आ रहा था 2.6। अब यहाँ पर कितना आ रहा है 1.1 और यहाँ पर कितना आ रहा था 1.1। ये आएगा पॉइंट में समथिंग आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हमारा बैटरी का पूरा सर्किट ओके ऐसे चेक किया जाता है। हेलो यस सर। पहले तो वोल्टेज बोलो और फिर बैटरी लगा के उसी वोल्टेज को क्या करना है थोड़ा सा हाँ। पर वो जैसे अब आपने कॉपी बैटरी लगाई तो कॉपी बैटरी के अंदर क्या होता है कि वो रजिस्टर्स नहीं होते हैं और यही रीजन है कि कॉपी बैटरी लगाने के बाद भी वो एरर नहीं जाता है। समझ रहे मेरी बात? Yes, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। खैर छोड़ो, अब हम अपने ओप्पो के साइड में देखेंगे कि क्या सीन जा रहा है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर ओप्पो के साइड में हम देखें देखो चार्जर लगाएंगे GR तो देख लिया एरर अभी भी है। मतलब ये नहीं है कि कुछ ओपन हो गया या कुछ लाइन ब्रेक है। और कॉल कम है तो VBAT पर वोल्टेज नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा रीजन बता रहा हूं। और ये जो वोल्टेज है ये और कम होता जाएगा। अभी 0.1.6 अभी 0.9 0.8 क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये कैपेसिटर के स्टोरेज की वजह से आ रहा है। हेलो यस सर। VBAT के साथ जितने भी कैपेसिटर थे वो बैटरी लगने के बाद में क्या हो जाते हैं चार्ज होते हैं और वही वोल्टेज बैटरी निकलने के बाद हमें थोड़ा 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 कम 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 करके दिखता है क्योंकि कॉलकम के अंदर बोलो बिना बैटरी लगाए चार्जिंग आईसी कभी वोल्टेज बनाती कभी नहीं बनाएगी। मतलब चार्जिंग आईसी विल नेवर सेंड यू आउटपुट 4.4 वोल्टेज बट इन मीडियम टेक चार्जिंग आईसी ऑलवेज सेंड यू 4.4 वोल्टेज 4.2 विदाउट बैटरी। हेलो यस सर। अगर ये मीडियम टेक का सर्किट होता तो यहां मैं पूरा वोल्टेज मिलता। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हां सो अब हम यहां पर चेक करेंगे। देखो हम यहां पर चेक करेंगे वोल्टेज का, फिर से चार्जर लगाएंगे और देखेंगे कुछ वोल्टेज हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है करके। तो यहाँ पर अगर दूसरी बात ये हमारे मल्टीमीटर में एक प्रॉब्लम है क्योंकि मल्टीमीटर सी नहीं पड़े मल्टीमीटर सी अगर पूरा नहीं समझे तो काया आपके टीचर। आप देखो ये मल्टीमीटर हमारे लिए बेस्ट है ऐसा नहीं है बट हमको खरीदना नहीं है। हम इस मल्टीमीटर को सारे इंस्टीट्यूट में क्यों लगाते हैं क्योंकि साफ ये मल्टीमीटर ट्रेसिंग के लिए और बाकी सारी चीजों के बहुत अच्छा है पर वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर नहीं। ये वोल्टेज के लिए हमें चाहिए हमारा एक और बड़ा मल्टीमीटर जो अभी हमारे पास है क्या DT70 क्या DT17N वही लेना है जो मिली वोल्टेज को दिखाए। बोलो ये मल्टीमीटर भी सही नहीं है। अगर मैं बोलूं हमें DT17N लेकर बैठना है क्योंकि DT17N ही जो मिली वोल्टेज को दिखा सकता है। अब मेरे वीडियो से हो सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूट अपने मल्टीमीटर को अपडेट कर ले और मैं चाहूंगा कि कर ले। समझ रहे हो? मैं ये भी चाहूंगा कि ना करे क्योंकि उनसे उनका छपरीनेस भी दिखता रहता है थोड़ा सा। हेलो पर वो छपरीनेस किसी को समझ में थोड़ा आएगा भाई क्योंकि नॉर्मली तौर पे जब तक आप नॉलेज को पता नहीं चलेगा कि क्या छपरी है तब तक तो वो सारी चीजें क्योंकि लोग कंसीडर क्या करते हैं लोग मोबाइल रिपेयरिंग में फीस को कंसीडर करते हैं। हेलो यस सर। 20,000 10,000 डिस्काउंट उनको लगता है 10,000 वाला भी पढ़ा देगा 50,000 वाला और 10,000 वाला 50,000 वाला जैसा पढ़ा देगा। ये पॉसिबल है क्या मार्केट में? नो सर। पॉसिबल है? नो सर। आज यहाँ लाइव सीपीयू कौन कौन लगा के बैठा हुआ है? नो सर। ये तुम बैठे हो वहां कहीं कोई सीपीयू का आता पता नहीं है। 8 दिन तक रिबोलिंग कर रहे होते खाली जियो की पावर में वो भी। तो एक और चीज बता रहा हूं PMI बोलो PMI 8952 वोल्टेज देती ही नहीं पर PMI 632 ये कुछ कुछ सेट में वोल्टेज नहीं बनती तो इसके अंदर PMI 632 लगी है। बताओ देखो देखा था अब सोचता है 8952 भी लगी हो पता नहीं मेरे को मैं देखता हूँ तो हमें कैसे पता चलेगा। हम कंपोनेंट नेम लेते ये भी अंतर हम जितना डिटेलिंग में जा सकते अपना चाहेंगे। तो साहब इसके साथ ये लगी है
ये देखो PMI 632 तो 632 PMI ये कुछ कुछ सेट में वोल्टेज बनाती है, कुछ कुछ सेट में वोल्टेज नहीं बनाती। तो अगर वोल्टेज ना आए तो भी ठीक है, तो फिर हम GR से पूरा लाइन चेक करेंगे, आखिरी में IC तो अगर रिवॉल्व चेंज करेंगे 100% बनेगा सर्किट। देखो चार्जर निकाला, चार्जर लगाया, अब यहाँ पे 0.7 वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब है GR आ रहा है पर वोल्टेज नहीं आ रहा, और ये हमें इस मल्टीमीटर से मिला वोल्टेज। तो क्या ये बहुत बहुत दिमाग में रखना आपने। अब हमें इस लाइन को पकड़ना है और इस PCB में देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। सो देखो मैं आपको थ्योरी करके बताता हूँ और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा पीछे में सिर्फ ये खुला हुआ है, बाकी सारे कॉम्पोनेंट हमारे आप देखो तो सब लगे हुए हैं, कोई NC नहीं है। ये वाला हो सकता है NC हो, और अब इसको देख लेंगे NC है या नहीं है। तो सबसे पहले आओ उसका अपन सर्किट देखे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। आओ ठीक है, देखो लाइट कोई दिक्कत है तो भाई ओप्पो किधर है, ओप्पो के नीचे होगा, ओप्पो ये है A3 बिटमैप नहीं चाहिए, अभी हार्डवेयर चाहिए और चार्जर डाटा चाहिए। अब डायग्राम चाहिए तो डायग्राम खोल लेंगे ताकि सर्किट को भी समझ सकें कि बिटमैप कितना बता रहा है, वो फलाना कितना है या वो कितना, दोनों को रीड कर लेंगे। अब देखो अब पर्पल कलर का हमारा ये हो गया आईडी जा रहा है और आईडी जा रहा है इन दो रजिस्टर में, जिसमें से ये रजिस्टर है सेंस रजिस्टर हो गया। हेलो सर, अब ये हो सकता है कि ये वोल्टेज रजिस्टर हो या ग्राउंड के साथ लगा हो, कुछ भी हो सकता है, उसको हम चेक करेंगे। और आईडी हमें पता है आई और बी आई में जाएगा, किसमें जाएगा आई में, तो आई में जा रहा है। और टेम्परेचर का देखें, टेम्परेचर जा रहा है बैट थर्म, तो टेम्परेचर को भी समझ लेंगे। तो टेम्परेचर जा रहा है इस रजिस्टर में और यहाँ एक NC ही है, इसका मतलब हमारा कॉम्पोनेंट निकला नहीं है, तो ये रजिस्टर भी लगा है। तो ये रजिस्टर टेम्परेचर का सीधा जा रहा है आपके इस IC के अंदर। तो कहने का मतलब है इस तरह से कॉम्पोनेंट लगा हुआ है। देखो आईडी के साथ एक रजिस्टर लगा है और एक रजिस्टर कॉल लगा है। अब हमें ये रजिस्टर का पॉइंट छोर जानना है, ये रजिस्टर कौन सा लगा है। टेम्परेचर के साथ एक रजिस्टर लगा है और ये दोनों के दोनों IC सेम है, और ये IC कौन सी है, चलिए बताओ। 632। अब एक और चीज, ओप्पो के सेटों में बोलो, ओप्पो के सेटों में सीरीज वाले रजिस्टर की वैल्यू कितनी की होती है, दिमाग में रख लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस दो चार सेटों को पढ़ो सब समझ में आ जाएगा। फिर अब जो पैरेलल रजिस्टर की वैल्यू होती है वो होती है 100K से 300K। हेलो तो मैं आपको बता दूं ओप्पो के साइड में कितना होता है 300K। देखो अब अपन इसके सर्किट में जाएंगे, कि वो हमें बता रहा है कि जो आईडी है SCL टेम्परेचर SDA और यहाँ लाइन पे हम लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर ये सर्किट मिल रहा है इस तरीके से, देखो ये सर्किट को देखो, ये सर्किट हमें ये बता रहा है कि सर आईडी तो ये हो गई जिसमें एक रजिस्टर हमारा यहाँ 5.1K का है, कितने K का है 5.1K, ठीक है। और ये आईडी के साथ एक रजिस्टर लगा है जो कितने के का है 300K। तो प्रॉब्लम बताए क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो रजिस्टर लगा है ये इसके डिवाइडर का क्या है, जल्दी बताओ। R2। हाँ ये लगा होना बहुत जरूरी है,
तो हम देख रहे हैं ये लगा है हमारे में, तो ये लगा है कि नहीं लगा हम ये पहले नोटिस करेंगे, देखेंगे। तो ये लगा होना जरूरी है। दूसरा, इसकी वैल्यू सही होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू गिरी तो क्या होगा कि ये डिवाइडर सर्किट हमारा फॉर्मूला बिगाड़ देगा और हमारा बैटरी का क्या आ जाएगा, एरर। अब नोटिस करो कि इस फोन के अंदर आप थोड़ा देखोगे तो वाटर डैमेज फोन है। हेलो यस सर, कौन सा है? वाटर डैमेज, मतलब वाटर डैमेज सेट था ये, और इस वजह से। तो वाटर डैमेज सेटों के अंदर होता ये है कि ज्यादातर या तो आईसीआर के नीचे क्या जाता है, या तो कंपोनेंट सड़ जाते हैं, हेलो पानी में खराब हो जाते हैं, वैल्यू लीकेज भी आ जाती है ना। सो हमें यही समझना है। तो हम क्या क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम सबसे पहले ध्यान देना इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे। हेलो यस सर, इसके सेंस रजिस्टर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, और इसके पुल डाउन मतलब इसका जो ग्राउंड के साथ रजिस्टर है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे, मैं एक फाइनल सोल्यूशन बनाता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या चेक कर लिया, जी हाँ, जी हाँ, से हमें पता चला कि हमारा क्या ओके है, ट्रैक, क्या ओके है, ट्रैक, एटलीस्ट ये कनेक्टेड है। बट अब हमें ये चेक करना है, क्योंकि हाई वैल्यू रजिस्टर ग्राउंड के साथ भी कई बार जी हाँ दे देता है, तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को निकालेंगे, इस रजिस्टर को निकालेंगे और इस पैड का आईसी से जी हाँ चेक करेंगे। हेलो ये हमारा कितना आना चाहिए, तो एटलीस्ट हमें यह पता चलेगा कि आईसी अपनी लाइन दे रही है कि भी नहीं दे रही है। समझ रहे हो? यस सर। खाली जीआर यहां देखकर, क्योंकि हाई वैल्यू रजिस्टर लगा ना 5K का, इसलिए वो 2.5-3 कुछ भी रीडिंग दे रहा है। दूसरी चीज, फिर हम इस रजिस्टर को चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू हमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे बता रहा है जैसे 2-3 तो हम बदल देंगे। फिर हम इस रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे, फिर बदल। दोनों रजिस्टर चेंज करना है, बोलो दोनों रजिस्टर चेंज करना है। पहला पहला तो हमें चेक, बोलो चेक रजिस्टर वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू, और अगर चेक में खराब मिली तो हम रजिस्टर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दूसरा रिमूव, बोलो रिमूव सेंस रजिस्टर, सेंस रजिस्टर ये वाला, यस सर, यही है ना सेंस रजिस्टर, यस सर, आईसी से सेंस करा रहा है। और क्या चेक करेंगे, जीआर, किसका जीआर चाहिए हमें, और तीसरे में लास्ट फिर हम पीएमआई को रिबॉल और चेंज करेंगे। हेलो यस सर, रिबॉल और क्या करेंगे, चेंज। यही हमारा परफेक्ट सलूशन है, क्योंकि आईसी ही सेंस कर रही है, जब सब कुछ ओके है तो आईसी खराब हो गई है। हेलो यस सर, आईसी अपने पैड से भी खराब हो सकती है, और आईसी एक जगह से एक मॉसफेट से भी खराब हो सकती है, और पूरी आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। तो ये देखिए सर, चार्जिंग ले रहा है, ये हो रहा है, आईसी तो फोन चल रहा है। अरे आईसी अलग अलग मॉसफेटों से मिलकर बनी हुई है। yes, तो बताओ सबसे पहले हम क्या चेक करें, आपके पास कभी भी बैटरी आईडी से रिलेटेड कभी फोन आया, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या चेक करोगे, जी हाँ, ट्रैक बन जाने पर सबसे पहले फिर क्या ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे, क्या चेक करोगे, खराब मिली तो क्या करोगे, और फिर उसके बाद किसको निकालोगे, सेंस रजिस्टर। क्यों? क्योंकि आपने आईसी का क्या चेक करना है, आईसी का रियल जीआर। फिर उसके बाद किसको चेंज करोगे, which directly connected to the PMI 632, and this is connected
with this register and this register is going to pull down with ground and this register value is your approx. हमने रजिस्टर्ड की टेस्टिंग क्लास पहले से ही अटेंड करके बैठे हैं, राइट? यस सर। ओके, सो ओम्स मोड में रखेंगे। एंड दिस वैल्यू इज शुड लाइक 5.5 होनी चाहिए। यस सर। दैट मींस दिस रजिस्टर इज ओके। एंड दिस रजिस्टर वैल्यू इज लाइक 525 ओम्स। हेलो, यस सर। के भी नहीं है, यस सर। दैट मींस इज बहुत नीचे हो गए रजिस्टर। जी सर। 300 के होना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है, हम इसको बदलेंगे, बट हम दोनों को निकाल देते हैं और पहले हम क्या चेक कर रहे हैं ये चेक करते हैं, क्योंकि हम अगर इसका बजट मोड पे काम करो सर, हम इसको चेक कर रहे हैं। ये देखो, यहां से ये कनेक्टेड है और यहां से पीएमआई कनेक्टेड है और ये ग्राउंड है। क्या है बताओ? ग्राउंड। अब डायोड मोड पे डालो। कैसा है कि ऐसे नहीं बोल सकते ना कि सर यहाँ पे 500 आ रहा है, 600 आ रहा है और यहाँ पे जो 500-600 आ रहा है तो इसका मतलब ये पीएमआई का है। हेलो, ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि ये इधर से भी रिटर्न मार सकता है, समझ रहे हो मेरी? यस सर। तो हम इन दोनों रजिस्टर को निकालते हैं, 5.1 को सेफ रखते हैं और उसके नीचे 300 अप्रोक्स रजिस्टर लगाते हैं। क्या हमें 300 के चाहिए? मे बी नॉट, मे बी हम 100 के भी लगाएंगे तो भी शायद सर्किट ओके हो सकता है, राइट? यस सर। तो प्रॉब ये मतलब सोल्यूशन ये है, बेस्ट ये है कि पहले तो करंट वैल्यू ढूंढ लो। यस सर। और नहीं मिले तो नियर बाय वैल्यू लगाते जाओ और यही R&D है। हेलो, यस सर। R&D है भाई, टेक्नीशियन है, कोई जुर्म नहीं लग जाएगा, कुछ वो नहीं हो जाएगा, सीखेंगे, सीधी बात है। वो तो पेस्ट, अब हमने दोनों क्यों निकाले? रीजन ये है क्योंकि वो बदलने के बाद भी हीट मारेंगे, फिर निकालेंगे, हीट इतना हीट नहीं मारना है। एक बार में काम करो, सारा पहले निकाल लो, एक बार में हीट में जब लगाना है तो दोनों को एक साथ ही लगा लेंगे फिर। हेलो, दैट्स द रीजन व्हाई कि हम ज्यादातर अपने बोर्ड को टेम्पर कर देते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली हर पॉइंट पे हीट मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, ये रीजन है। अब हमें कहना कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट पर हमें PMI 632 का रियल GR मिलना चाहिए। इफ दिस GR इज कमिंग देयर हियर, सो इसका मतलब है कि अभी हमारा IC से ट्रैक ओके, फर्स्ट वी नीड टू चेंज दिस रजिस्टर। अगर नहीं होता है तो हम IC को रिवॉल्व और क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बट IC का पैड चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायोड मोड पे डाल देंगे और तो हमें यहाँ पे GR मिल रहा है यहाँ पर। yes, sir. इसका मतलब हमारा IC का ट्रैक ओके है। देखो ये ट्रैक कहाँ से कनेक्टेड है, देखो PMI से, क्योंकि सीरीज सेंस रजिस्टर कहाँ जाएगा? PMI। अगर मान लो ये बैट IT मीडिया टेक का होता तो कहाँ जाता? CPU। वेरी गुड, CPU में जाता सर। ये देखो, ये यहाँ ये वाला सेट का थोड़ा क्या नहीं, ये इधर है, हाँ ये इधर है, ये दो ग्राउंड रजिस्टर हो गया ये। yes, sir. और ये हमने बोला और ये हमारा जाएगा सीधा PMI के अंदर, ये हमारा पैड वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक रजिस्टर चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी के हो, 300 के। तो ऑब्वियस है, डाल दो। और ये सर्किट की क्लास है, किसकी क्लास है? सर्किट की, हाँ, जिसमें आप सर्किट सीखें। तो हम कोई एक ओप्पो का ही वीडियो फोन उठाते हैं,
यहाँ तो ज्यादा है क्योंकि अभी हमको जाकर प्रैक्टिकल अटेंड करना है, राइट? यस सर। हाँ, वो जितना, क्योंकि ये सारी चीजें अभी हमने क्लास में मेरे से समझी है, अब आपको एमडी सर से पूरा प्रैक्टिक और प्रैक्टिकल करना है वोल्टेज के साथ। तो यहाँ पर ये हमने ओप्पो का एक सेट और लिया है, ये सेट ओप्पो का है, ओप्पो का A83, बोलो A83 का पट। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम तो कहीं से भी 100 ओम्स का, 200 ओम्स का, 100K का रजिस्टर ढूंढ के लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेलिंग दे रहा हूँ, जितना मिलता है ले लो भाई, क्या दिक्कत है। रजिस्टर तो 2 मिनट में हम 100K 300 300 300 ढूंढ के 2 मिनट में लगा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस सीरीज में काम कर रहे हो, बोलो, दो सीरीज में ध्यान रखना है, कॉम्बो बनाना है, कितनी। तो इसलिए स्क्रैप बोर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसका रजिस्टर हम सैमसंग के बोर्ड में ढूंढेंगे स्क्रैप वैल्यू में, तो हमको शायद मिलेगा नहीं, क्योंकि 300K का रजिस्टर बहुत कम जगह पे होता है। तो हमने ओप्पो का A83 खोला और इसका डायग्राम खोला, लेआउट खोला, क्योंकि ओप्पो है, इसमें भी वही 5K 3K मॉडल कोई नहीं है। ओप्पो के सर्किटों के अंदर सेंस होता है 300K। अब देखो हमें रेड लाइन आ गई यहाँ पर। यस सर। आज गुड़ियों के प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है भोपाल के अंदर। मिस्टर रिजाल बोर्नियो का हेड आया है इंडिया के अंदर। सीपीयू में भी जा सकती है, पर बैटरी आईडी या सीपीयू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आईडी का सीरीज सर्किट केबल आई से बनता है। मीडियाटेक होता तो सीपीयू में जाते, यहाँ सर्किट ही नहीं है, बैटरी सीपीयू को वो कोई घंटा नहीं फड़ के यहाँ पर, बैटरी का एरर था। अब हम थोड़ा सा वॉश करेंगे और रजिस्टर देखेंगे कि हिल तो नहीं रहे हमारे, सही से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। ये करें फैन लगना भाई, अपना थूक जाता नहीं तो उसके अंदर सही नहीं है ना, देखा जाए तो पीसीबी के अंदर हमारे पास अब फैन है, मेरे पास अंदर रखा है लैब में। सबसे बेस्ट फैन है MC18, वही खरीदना, वो 2-in-1 आता है, वो यूवी ग्लू के साथ आता है, और उसका फैन का RPM सबसे स्ट्रॉन्ग है अब तक के इंडस्ट्री में, MC18, वो आपको बताएगा MD सर। तो देखो अब हमने रजिस्टर लगाया है, अब हम पहले चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, और अगर होता है तो फिर अपन फिर GRVR और फिर सारी थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची है वो देखेंगे, क्योंकि तो अभी रजिस्टर लगाया है हाई वैल्यू का, वहाँ पर वैल्यू गिर गई है। हमने तो अभी 300K भी नहीं ढूंढा, माए सही मायने में हमने तो 35-40-50K का ही वैल्यू लगा दिया, क्योंकि इतना ही क्या छुपाना, इससे भी कितना ऊपर है। याद देखा, देखो तो हमने कनेक्टर पे तीनों कनेक्टर लगा दिए, ये B2B कनेक्टर है, एक आपका LCD कनेक्टर है और एक आपका बैटरी कनेक्टर है। अब
पे जूम करना पहले और ये आपका एम्पियर भी एक के ऊपर आ रहा है अगर आप देखो इसको एम्पियर दिखाओ जरा देखो एम्पियर देखो देखो आ रहा है 1.6 yes, तो ये किस किस को समझ में आया जल्दी बताइए अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके बाद हम क्या करते हैं अगर करते भी तो फाइनल इसके बाद रजिस्टर तो बदल हो चुका इसके बाद हम ईएमआई को क्या करते हैं रिवॉल्व डैमेज है हेलो हो सकता है कचरा हट जाए रिवॉल्व हो जाए तो चालू हो जाए और नहीं तो फिर हम क्या करते दिस इज ओनली लास्ट सोल्यूशन हेलो ठीक है अब वीडियो बंद करो चलो सो हेलो हाय डियर दिस इज देवरत्न अग्रवाल फ्रॉम ईसा टेलीकॉम कैसा है जोश कल सीपीयू किस किसने बनाया मुझे बताओ एक बार खड़े हो गए जोरदार एमडी सर के ताली बजाओ और बोलो मेरे साथ थैंक यू एमडी सर बोलो क्योंकि सर हिंदुस्तान में कोई भी टीचर इतना भी होशियार क्यों ना हो वो इकट्ठे 20-25 स्टूडेंट को आईसी लगवा सकता नहीं ये बहुत स्किल वाले काम है और ये स्किल प्लस मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन प्लस सपोर्ट और एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट है उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट अलग अलग लोगों को संभालना हर एक का उसका फॉल्ट देखना और हर एक का आउटपुट सक्सेस निकालना मेरे फादर ऑलवेज माई फादर ऑलवेज सेड टू मी दुकान के अंदर ना बीवी को भी नहीं बिठाने का कभी और स्त्री अनुमत लाओ कभी अंदर लाओ कभी पूजा पाठ करो या जो भी करना है पर अगर अगर काम कर रही है तुम्हारे साथ तो बहुत बेटर है दूसरी बात चप्पल पहन के मत जाओ दारू सिगरेट कभी मत यूज करो अगर कोई बाहर है बाहर और तीसरी थर्ड चीज कभी दोस्ती यारी मत करो जब भी दोस्त आए बोलो भाई धंधे के बाद मिलता हूँ या रात में मिल मैं जैसे शटर बंद करूंगा फिर वहां पर आके आप नाले में डूबेंगे जो करना मारेंगे किसी पर दुकान में बैठकर मुझे बकचोदी नहीं करनी है तेरे साथ बैठकर मेरा धंधा है भाई मेरे हेलो yes, बहुत सारे गुण मैंने अपने फादर से सीखे बहुत सारे गुण अपने माँ से सीखे और सब कुछ फिर वक्त ने और हालात ने और ट्रेनिंग ने और सबने सिखाया है और गुरुओं से सीखा है ना yes, इसलिए आज इस टेलीकॉम यहाँ है स्टेबल है और इसलिए आउटपुट निकाल रहा है मैं आशा करता हूँ आप भी ये काम करेंगे yes, 2027 में भी अपडेट करूंगा 28 में भी करूंगा क्योंकि मैं खुद होऊंगा हेलो मैं वो पीला मल्टीमीटर वाला टीचर नहीं समझ में आया मेरी बात yes, मुझे बताओ यहाँ आज बैटरी कनेक्टर का पूरा सेक्शन कैसा लगा आप लोगों को yes, किस किस को लगा बहुत डीप लेवल पे बता yes, yes, समझ में आया yes, अब ये देखने का नजरिया किस किस का बदला है yes, है ना yes, डायग्राम देखे और सबसे अच्छी बात है हम बहुत अच्छा डाटा लेके जा रहे हैं हेलो yes, इतना भी लिख ले लिखाई समझ में आ गई यू हैव वीडियो क्लासेस हमारी समझ में आ रहा है yes, इतना ट्रस्ट तो है देख सकते हैं आप पर एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट आप यहाँ बहुत मजे से नहीं है मुझे पता है आप सरवाइव कर रहे हो पर ये सरवाइव वो सरवाइव नहीं है अपनी लाइफ को बनाने के लिए वो सरवाइव नहीं कहता मैं कभी समझ रहे yes, तो मौका है चलो हमें कुछ मौका मिल जाए कि चलो 3 दिन सोने ना मिले पर ऐसी कुछ चीज मिल जाए जिससे वो अगले 300 लाख दिन मैं साला अपने टैलेंट को बढ़ा सकूं जिससे दुकान बढ़े धंधा बढ़े इज्जत बढ़े तो मैं ऐसे 1,000-3 दिन देने के लिए तैयार हूं yes, समझ रहे हो yes, तो ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत सह के पढ़ रहे हैं या वो करके पढ़ रहे हैं हम तो बोल रहे सर हम पढ़ने आए यहाँ पर yes, गोवा में घूमने अगर आते तो बढ़िया सा बैंड लगाते सबेरे 4 बार समोसा खिलाते मतलब हर वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ मैं अगर होटल का मैनेजमेंट होता तो सबसे बेस्ट होता मेरा फीडबैक सबसे बेस्ट होता वो बोलता कि मजा है रूम क्लीन है एसी की ठंडी हवा दोनों तरफ से आ रही है पर मेरा पढ़ाई का सीन है yes, तो मैं पढ़ाई के अंदर 1 रुपए की कमी नहीं करने दूंगा मुझे बताइए आज हम पूरा ट्रेसिंग करेंगे yes. और कल हम जब ऑडियो क्लास करेंगे तो कल से हम रिपीट सीपीयू करेंगे yes, हमने सीपीयू मास्टर क्लास ऐसे क्यों ना बोलते इसको yes, कल हम सीपीयू बनाए yes, कल से भी डेली कौन कौन सीपीयू बनाना चाहता है yes, आज हम ट्रेसिंग इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमारा पहला ट्रेसिंग डे है हमारा yes, हमें इसको कंप्लीटली समझ कर ही जाना है चलो ठीक है थैंक यू वेरी मच तो हमारे साथ है 28 अगस्त की भेंट yes,
आज कौन सा दिन है हमारा? तीसरा दिन। तीसरा दिन मतलब पावर। किस किसने डन किया? पावर डन सबने? सभी ने? सभी ने? ऐसे टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन पावर मतलब पावर। सबका डन होता है? चलिए ठीक है। एशिया टेलीकॉम मतलब? एशिया टेलीकॉम मतलब। हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच। कौन कौन लाइव है? हम सब लाइव है। सब लाइव है? यस सर। तो भाई 10:30 बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी? सीपीयू सीपीयू माउंट रिबाउंड। किस किसने करा है? हम सब ने। सबने किया है? यस सर। तो चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। यस सर। कल आपके साथ सर्किट की क्लास है देव सर के साथ, तो एक बार क्लिपिंग बनती है सर के साथ। यस सर। कौन ऐसी की बात था? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था। मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है, तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं चलो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके। मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ मेरे आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट में सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। महाराष्ट्र से हूँ। ओके। हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके। वेस्ट बंगाल से हूँ सर, मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। ओके। देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिलने के लिए, और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद, क्लिपिंग हो जाए सर के लिए। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से हाँ दोस्तों, मैं देवदत्त अग्रवाल एशिया टेलीकॉम को फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से, जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप 30 से 14 दिन में आपने CPU EMMC पावर सब लगाकर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए और थ्योरी के साथ भी आप डेली CPU लगाए, ताकि आपको
आपका हैंड स्किल बना रहे, क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो टीपी का पैड जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहां पे आपको डीप लेवल की चोरी मिले, जहां पे आपको वो सर्किट वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको ईएमसी जिसमें यूएफआई पढ़ाया जाए, और जेटेक जिसमें आपको लेटेस्ट जो आईसी है, जो सीपीयू चेंज है, सब कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एसर टेलीकॉम। अगर आपको सीपीयू मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास, 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना चूकने दो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000737192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।